Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you all primary education in India, in a nutshell. Means, देखिए primary education पर बहुत बात की है हम लोगों ने, बहुत सारे videos हैं मेरे primary education पे. डाइट हो गया, SSA, RTE, UEE, सारे टॉपिक्स कवर किए मैंने, लेकिन इस वीडियो में मैं चाह रही थी कि एक क्विक रिकैप हो जाए प्राइमरी एजुकेशन की, क्या स्थिति है, उसके लिए कौन सी स्कीम्स हैं, क्विकली रिकैप सॉर्ट ऑफ. दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड, आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो. सबसे पहले अगर भारत में प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो बात निकल कर आती है यूईई की, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. यानी कि इसको यहां से समझिए कि जब भारत आजाद हुआ तो देश में शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब थी, बहुत लचर थी, हमारी साक्षरता दर बहुत कम थी. तो सोचा गया कि हमको सबसे पहले हमारे सामने जो मुहिम थी, जो हमारे सामने जो लक्ष्य था, जो चुनौती थी, वो ये थी कि हम सब तक कम से कम एलिमेंट्री लेवल की, क्लास 8 तक की शिक्षा पहुंचा पाए. तो उसके लिए क्या दो तरीके हो सकते थे, एक तो ये कि हम सारे बच्चों को स्कूल में भर्ती करा दें, स्कूल में दाखिला दिलवा दें उनका, तो इससे उनकी निरक्षरता दूर हो जाएगी, वो साक्षर हो जाएंगे. दूसरा तरीका इसका ये था, क्योंकि तब जो एडल्ट हैं, जो इनकी पढ़ाई छूट गई है, जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं अपनी, उनकी जो निरक्षरता है उसको हम दूर कर दें, मतलब इरेडिकेशन ऑफ एडल्ट इलिटरेसी और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये दोनों मिल के इनका लक्ष्य था कि संपूर्ण साक्षरता की दर को, शत प्रतिशत साक्षरता दर को हासिल करना. तो जो यूईई की बात है वो भारतवर्ष में बहुत पहले से हो रही है, लेकिन वैश्विक पटल पर दो मुख्य घटनाएं हुई जिन जो और जो इनको बल देती है, जिसके बाद ये और बलवती हो गई इसके लिए जो प्रयास थे, है ना. तो पहला है 1990 का वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, जिसको EFA के नाम से जानते हैं. जब आप इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं वहां पर भी आता है, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल है ना, इसका मतलब यहाँ का इसका इंप्लीकेशन ये भी निकलता है कि किसी, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, NCLB, किसी को भी छोड़ना नहीं है, वो डिसेबल्ड हो, वो डिसएडवांटेज हो, व्हाटसोएवर हिज और हर कंडीशन में बी. और दूसरी जो घटना हुई, दूसरा जो जो संधि आप कह सकते हैं, वो है 2000 की डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. इन दोनों में ये तय किया गया कि हमको सबको शिक्षित करना है. तो अचीविंग यूईई, यानी कि यूईई को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, इनरोलमेंट करें, रिटेंशन करें और क्वालिटी, मतलब क्वालिटी का मतलब, इनरोलमेंट का मतलब कि पहली बात कि बच्चे का नामांकन हो कक्षा में, विद्यालय में. दूसरी बात, जिस कक्षा में उसका नामांकन हुआ है वो उसको धारण करे, मतलब वो ड्रॉप आउट ना बने. और तीसरी बात जो इन दोनों से जुड़ी हुई है कि यदि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन उसको प्रोवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से वो रिटेन होगा. और थ्री पिलर्स ऑफ यूईई की बात करें तो पिलर्स हमारे हैं प्रोविजन, एनरोलमेंट और रिटेंशन. पहली बात कि ये प्रोविजन होना चाहिए कि शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा एक्सेसिबल होनी चाहिए. दूसरी बात इनरोलमेंट के होना चाहिए. और तीसरी बात जो विद्यालयी तंत्र है, विद्यालयी निकाय है, वो बच्चे को रिटेन करे. तो अगर इसके लिए गवर्नमेंटल एफर्ट्स की बात करें तो सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं यूईई को हासिल करने के लिए. शुरुआत अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से करें, वहां से बात हो रही है मेनली. फिर 1986 में हुई, फिर 1986 ने तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी इसके लिए. फिर DPEP बनता है आपका, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम. फिर SSA हो रहा है, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, जिसको NPEGEL कहते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ट्रस्ट फॉर फीमेल लिटरेसी साक्षर भारत, NFE. अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसके लिए चलाया गया, वो एडल्ट जिनकी पढ़ाई छूट गई है, क्योंकि वो फॉर्मल एजुकेशन अब हासिल नहीं कर सकते. इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ये किसके लिए हो रहा है, ताकि जो विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जा रही है वो क्वालिटी से भर जाए, क्वालिटी लेडन हो, गुणवत्ता पूर्ण हो. उसके लिए क्या किया जाए, जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाइए. फिर प्रोग्राम ऑफ मैसिव ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, जिसको PMOST कहते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, फेमस स्कीम, पॉपुलर स्कीम, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स, जिसको कि SOPT कहते हैं, ठीक है. फिर नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स भी आए यूईई के लिए, क्योंकि
इतना बड़ा देश, इतनी असमानताएं, इतनी डाइवर्सिटी, सरकार चाह कर भी उसके एफर्ट्स पूरे नहीं पड़ते हैं। तो कुछ एनजीओज आ गया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आए कि हम भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि सब तक शिक्षा पहुंचा पाए। तो उसके लिए बहुत दो जो पॉपुलर है वो उसका नाम है प्रथम, स्टार्टेड इन 1994 विद यूनिसेफ सपोर्ट। यूनिसेफ सपोर्ट से बना है टू एड्रेस द टोटल लैक ऑफ प्री स्कूल फैसिलिटीज फॉर स्लम्स इन मुंबई। मुंबई के स्लम एरिया के बच्चों को प्री स्कूल फैसिलिटी देने के लिए बना। फिर बाद में ये ICDS से जुड़ जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और इस तरह से काम कर रहा है। उसी तरह से एकलव्य है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विच हैज बीन कंसर्न विद डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स टू द एलिमेंट्री एजुकेशन करिकुलम, पर्टिकुलरली इन साइंस। साइंस के लिए मेनली ये बना है और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, वहां से अपना काम करता है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, इट इज इंटरवीनिंग इन एरियाज सच एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, साइंस पॉपुलराइजेशन, पार्टिसिपेटरी वॉटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रूरल एंटरप्राइज प्रोग्राम्स, लाइब्रेरी एंड कल्चरल मूवमेंट्स, हेल्थ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल मोड्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये भी एक एनजीओ है। और फिर बोध शिक्षा समिति है, निरंतर है, एक रिसोर्स सेंटर है जेंडर और एजुकेशन के लिए, 1993 में बना है। कथा, इट इज ए नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन दिल्ली। इस तरह की बहुत है। तो ये आपके गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट कर रहे हैं कि हम यूईई को हासिल कर ले। अच्छा, यूईई को हासिल जब आप करेंगे, जब जब आप प्राइमरी एजुकेशन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन हम जब शत प्रतिशत हमको हासिल करना है, कोई चूक ना रह जाए, कुछ छूट ना जाए, उसके लिए कहा गया कि जो प्रबंधन है आप उसका विकेंद्रीकरण कर दीजिए, यानी कि लोकल बॉडीज को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सीख कीजिए, जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दीजिए। तो उसके लिए बहुत सारे काम हुए, जैसे कि इंपावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, जो आपके शैक्षिक सॉरी स्थानीय निकाय हैं उनको सशक्त कर दिया जाए, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ब्लॉक और पंचायत। पंचायती राज एक्ट आता है 1992-93 में, जो कि है अकॉर्डिंग टू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पंचायत्स हैव बीन कंसीव्ड टू बी थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो ये माना गया जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है वो पंचायतों को ये कहता है कि ये आप सरकार का तीसरा लेवल है, मतलब सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, फिर पंचायत लेवल हो गया, एंड आर सपोज टू बी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी फ्री एजुकेशन। और इनको ये हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, सौंप रहे हैं कि ये सार्वत्रिक और अनिवार्य मुक्त शिक्षा की व्यवस्था करें। इट हैज बीन लुक्ड एज द मेन एजेंसी फॉर डिसेंट्रलाइजिंग डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको इस नजर से देखा गया कि जो प्रशासनिक स्तर पर ये डिसेंट्रलाइजेशन का मेन एजेंसी होगी, और विलेज एजुकेशन कमिटीज, जिसको VEC, ब्लॉक एजुकेशन कमिटी BEC, सबको सशक्त किया गया ताकि विद्यालय जो प्राइम एजुकेशन है, जो एक क्लोज ओपन सिस्टम है, उसमें आवागमन संसाधनों का और शक्तियों का होता रहे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, या आप कह सकते हैं बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को सब तक पहुंचा सके। इसके बाद इरेडिकेशन ऑफ एडल्ट इलिटरेसी, भाई आप यूईई तभी हासिल कर पाएंगे जब आप एडल्ट इलिटरेट जो है उनको भी लिटरेट करिए। तो उसके लिए 1988 में बनता है नेशनल लिटरेसी मिशन, NLM के नाम से जानते हैं, विद द गोल ऑफ इरेडिकेटिंग इलिटरेसी फ्रॉम द कंट्री बाय केटरिंग टू द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट रिक्वायर्स एजुकेशन द मोस्ट एंड विल बेनिफिट फ्रॉम इट बाय इम्पार्टिंग फंक्शनल लिटरेसी टू नॉन लिटरेट। कहा गया कि जो नॉन लिटरेट है, जो निरक्षर है, आप हम उनको फंक्शनल लिटरेसी प्रदान करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन ए थॉरो एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इमेनेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ इवेलुएशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। जो AEP था, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की जो स्ट्रेंथ्स थी, जो वीकनेसेस थी, उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करके ये प्रोग्राम बनाया गया। और फंक्शनल लिटरेसी जो हम कह रहे हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे, उसका अर्थ क्या है? सॉरी, फंक्शनल लिटरेसी का अर्थ है अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन लिटरेसी, यानी कि जो साक्षरता है उसमें सेल्फ रिलायंस आ जाए, यानी कि व्यक्ति पूरी तरीके से साक्षर हो जाए, उसको न्यूमरेसी अंकिक गणना आ जाए, बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉज ऑफ देयर डिप्राइवेशन, उसको ये पता चल जाए कि उसका जो डिप्राइवेशन का स्तर है, जो वो जो निचला स्तर उसका है, उसका कारण क्या है, एक्वायरिंग स्किल्स टू इंप्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस, उसके पास वो कौशल आ जाए जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके, एंड इम्बाइबिंग द वैल्यूज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, और इसके साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण के मूल्यों को वो अपने अंदर समाहित कर सके, वो फंक्शनल लिटरेसी है। सिर्फ अक्षर ज्ञान फंक्शनल लिटरेसी नहीं,
नहीं है। तो ये माना गया, ये सोचा गया, ये विजन बनाया गया कि हम फंक्शनल लिटरेसी सबको प्रोवाइड करेंगे टू 80 मिलियन से इलिटरेट पर्सन इन 15 to 35 एज ग्रुप, यानी कि 15 से 35 साल के 80 करोड़ लोगों को जो कि निरक्षर हैं उनको फंक्शनल लिटरेसी का लक्ष्य था इस प्रोग्राम का इतना बड़ा। इसमें माना गया था कि 30 मिलियन को 1990 तक और बचे हुए 50 मिलियन को 1995 तक फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर आता है कंसेप्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, SSA सर्व शिक्षा अभियान। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू अटेंड यूईई को प्राप्त करने के लिए। 2001-2 में लॉन्च हो रहा है। एम्स टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाई 2010। माना गया था 2001-2 में शुरू हुआ कि 2010 तक हम सबको 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा दे देंगे। इसने कवर किया ऑल स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री। अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट सबस्यूम्स ऑल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स एम्ड एट डेवलपिंग बेसिक एजुकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ EFA प्रोग्राम्स। अब ये देखिए EFA क्या है, ये वही है एजुकेशन फॉर ऑल। और जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे आपके प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उन सब के ऊपर ही आ गया सर्व शिक्षा अभियान, एक अम्ब्रेला टर्म है। बेसिक मोटोज टू रिड्यूस ड्रॉप आउट, इसका बेसिक मोटो था कि हम ड्रॉप आउट को कम करें और ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द टारगेट ग्रुप यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कैप्चर कर सके, हासिल कर सके, हम शिक्षा व्यवस्था के अंदर ले आए। और इसने ये भी माना था कि 2007 तक ये 5 साल की और 2010 तक 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करा लेगा। ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट प्राइमरी स्टेज बाई 2007। और ये माना गया था, ये इसका विजन था कि 2007 तक ये सारी प्रकार की लैंगिक और सामाजिक जो असमानता है उसको भी दूर कर लेगा। वो बात दूसरी है, आप जानते हैं ऐसा हो ना सका। और यूनिवर्सल रिटेंशन बाई 2010, और इन्होंने माना था कि 2010 तक हर बच्चा विद्यालय में रहेगा। टू इम्प्रूव क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये कैसे करेंगे कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड करेंगे, बॉटम से टॉप पे जाएंगे यानी कि निचले स्तर पे, फिर लोकल पीपल और स्टेक होल्डर को भी प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे हम, PRIs, SMC, VEC, ये सब विलेज एजुकेशन कमेटी, सब ये इनके सब फुल फॉर्म है, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल एंड अदर ग्रास रूट लेवल स्ट्रक्चर्स को इफेक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे। फिर आपका स्पेशल इम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन ट्राइबल्स, जो आपकी जनजाति हैं और महिला लड़कियां हैं उन पर ज्यादा बल दिया जाएगा। और जितने भी अदर प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, लोक जुम्बिश, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, सबको ये कवर करेगा, ये इसका लक्ष्य था। टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंटरवेंशन लाइक स्पेसिफिक इंटरवेंशन फॉर गर्ल्स, और स्पेसिफिक इंटरवेंशन फॉर गर्ल्स बनाए गए जिसमें वही है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल और कस्तूरबा गांधी प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम निकले बनाए गए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ SSA हैज अकॉर्डिंगली बीन अमेंडेड इन सितंबर 2010 टू अलाइन इट विद द प्रोविजंस ऑफ द RTE एक्ट 2009। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि RTE एक्ट 2009 में आ रहा है और ये भी शिक्षा को कानूनी अधिकार बना रहा है। इसका मतलब कि इसके संज्ञान में, इसके से संरेखित होकर SSA ने भी अपने आप को अपनी गाइडलाइंस में चेंज किया, सुधार किया 2009 के बाद। अब इसके अलावा इसकी बेसिक स्ट्रेटजी थी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, नीपा, NCERT, NCT, SCERT, CMAT सब ने हैव बीन गिवन कैपेसिटी बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। प्रोग्राम इन अलाइनमेंट ऑफ RTE एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2012 टू इंक्लूड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखिए जब दो RTE एक्ट आ जा रहा है आपका 2009 में, जब कह रहा है सबको शिक्षित करना है, किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, तो इसका मतलब कि स्पेशल जो चाइल्ड है उसको भी आपको शिक्षित करना है। तो 2012 में ये अमेंडमेंट हो रहा है इसके अंदर, और प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, पढ़े भारत, बढ़े भारत, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, सब कुछ, मतलब जितना कुछ चल रहा है आपके देश में एलिमेंट्री एजुकेशन के, बस सब कुछ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है। और अब आपको पता होगा कि इसका नाम बदलकर अब समग्र शिक्षा अभियान हो गया। इसने सारे लेवल्स को जोड़ते हुए टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को भी जोड़ लिया है। और बात होगी प्राइमरी एजुकेशन की, तो RTE की बात होना स्वाभाविक है। ये डायरेक्टिव शुरुआत में आर्टिकल 45 था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था। फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन वाज राम मूर्ति कमेटी 1990 में आ रहा है पहला डॉक्यूमेंट। फिर 1993 में
सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ रहा है कि दैट एवरी चाइल्ड हैज ए फंडामेंटल राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल दे कंप्लीट 14 इयर्स ऑफ एज। 86वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2002 में जो इंसर्ट करता है आर्टिकल 21A हमारे संविधान में, जो कहता है कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, प्रोवाइडेड ए फॉलो अप लेजिस्लेशन फॉर राइट टू एजुकेशन बिल। देखिए राइट टू एजुकेशन बिल 2008 में आया है और ये एक्ट 2009 में आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards। yani ki har bacche ko aap satisfactory aur equitable quality, yani ki aap kisi mein vibhed nahi karenge, ek sammanjanak santoshjanak ek formal schooling mein shiksha denge aur jo ki certain essential norms aur standards usko follow karne honge, aise hi kahin bhi nahi shiksha de di jayegi। ye RTE act 2009 ne kaha। aur diet district institute of educational training, dekhi jab baat ki gayi ki quality हमको प्रदान करनी है विद्यालयों में, तो ये माना गया कि टीचर सुधारना पड़ेगा आपको, मतलब उसका उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको प्रोफेशनली अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत से कमिटीज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की बात कर रही थी, जैसे कि कोठारी कमीशन 1964-66, चट्टोपाध्याय कमेटी NP 1986। तो जो NP 1986 है वो रिकमेंड कर रही है कि डाइट बना लीजिए। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन एंड CTE, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, थ्रू किस किस स्कीम के तहत, 1987, देखिए 1986 में NPE आया है, 1987 में ये रिकमेंड कर रहा है कि एक बना लीजिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। देखिए टीचर सुधारना है, मतलब टीचर तो सुधरा हुआ है लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ानी है तो टीचर एजुकेशन सुधारना पड़ेगा। तो उसके लिए 1987 में ये आई स्कीम और ये स्कीम कह रही है कि डायट बनाइए, CTE बनाइए और उन CTE में से 50 को आप IASE बना लीजिए और जो SCERT है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है उसको सुदृढ़ कीजिए और डायट को इस तरह से NPE 1986 गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने अर्ली 1990s में बनाया। किसके लिए बनाया? टू स्ट्रेंथन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सपोर्ट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये इसका काम था और इसको कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हम सपोर्ट देंगे एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन को, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन को सुधारेंगे, हम प्री सर्विस और इन सर्विस एजुकेशन और ट्रेनिंग देंगे, हम रीस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइज करेंगे एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जिससे कि हम UEE को पा पाएं, NLM का टारगेट पूरा कर पाएं। और इसके फंक्शंस क्या थे कि इंडक्शन लेवल पे भी और कंटिन्यूइंग लेवल पे भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्स सपोर्ट देंगे टीचर को, एक्सटेंशन गाइडेंस डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल, कैसे TLM बनाना है, AIDS इवैल्यूएशन टूल, एक्शन रिसर्च, ये सब सिखाया जाएगा। ये इसका प्राविधान था। और इसके जैसे कि DLED बनाया गया है ना, आपको एलिमेंट्री लेवल पे आपको ट्रेन किया गया टीचर्स को कि कैसे एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया सके। और इसका जो करिकुलम बना था वो नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन 2009 के अलाइनमेंट में बना। और इसका काम क्या था? डेवलपमेंट ऑफ TLM, एडोलेसेंट एजुकेशन की बात हो, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात हो, इन्वायरमेंट एजुकेशन की बात हो एंड ऑल, और ये सब इसके यूनिट्स हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट एंड ऑल। आई थिंक अब ये खत्म है। यस, चूंकि लेंदी हो गया था इसलिए मैं बाद में थोड़ा स्पीडी हो गई, लेकिन कम से कम आप एक बार एक चीज एक साथ समझ जाइए कि UEE को प्राप्त करना है, एडल्ट इलिटरेसी को हटाना है, इसीलिए सारे काम हो रहे हैं। और चूंकि RTE आ गया है तो SSA ने भी अपने आप को एमेंड करके चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड को भी इसके अंदर कैटर कर लिया और जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं सब के ऊपर SSA है और SSA का नाम ही बदल के अब समग्र शिक्षा अभियान हो गया है। ओके, सो इन दिस वे आई कैन थिंक, मैं ये सोच सकती हूँ कि अब आपके लिए प्राथमिक शिक्षा का ये टॉपिक थोड़ा और इजी और समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिबल हो गया होगा। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड अगेन प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।